इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, इस ये नवा शहर गांव का नाम है, नवा शहर इसके साथ ही जो आबादी है उसके वजह से इसका नाम है नवा शहर। ये जो रोड बना है, सी पैक बना है, उसका जितना भी मलबा था, मलबे का मतलब है कि पत्थर थे, चट्टानों, जो भी गंदबला था वो इधर फेंका है, तो इसमें ना कोई न्यूट्रंट्स थे ना कोई और चीज़ थी, लेकिन हमने रिस्क लेकर पिछले साल यहाँ पर मेवाकी प्लांटेशन रेज किए। एक हेक्टेयर में अगर 1,000 पौधा लगता है तो मैं वाकई में वो 20,000 पौधे लगते हैं, तो खुद आप समझे कि 1,000 पौधा कितना कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करेगा और 20,000। इस जगह पे मैं जो आपको सबसे जो अहम बात करता हूँ ये है कि एक हमने इसको दो के फासले पे पौधे लगाए हैं, 30 किस्म की मुख्तलिफ पौधों की वैरायटी हमने लगाई है। इसके अलावा ये मेरे राइट साइड पे वो जो पहाड़ है, पहाड़ की इस तरफ भी पहाड़ की उस तरफ भी हमने प्लांटेशन की है 5x5 पे, उसको हम क्लोज प्लांटिंग कहते हैं। इस जगह पे हमने 2,10,000 पौधे लगाए हुए हैं। एक क्लोज प्लांटिंग है, एक ये मेवाकी होगी, आशर प्लांटेशन होगी, बेडलैंड स्टेबलाइजेशन, और नीचे वो आपको जो बड़ा रिवर नज़र आ रहा है, रिवर के साथ साथ हमें एक हमारी तरकीब होती है रिवर ट्रेनिंग। रिवर ट्रेनिंग का ये मतलब है कि उस दरिया की हम ट्रेनिंग करते हैं कि वो फूले फले ना ज़्यादा, और ज़मीन उसके साथ साथ भी हम पौधे लगाते हैं। ये 2,10,000 पौधे, ये नर्सरी में पौधे तोहम होता है, तोहम को टूपों में डालते हैं या नर्सरी के बेड बनते हैं वहाँ तैयार होता है, कम से कम एक साल ये पौधे वहाँ नर्सरी पे लगते हैं। ये वो प्लांटेशन है जिसके सारे पौधे निकापा नर्सरी से हम लाए। निकापा जो है ये अवेलियाँ और ये हरिपुर के दरमियान में ये जगह है, यही समझे अवेलिया में, लेकिन 100% वहाँ ख्वातीन काम करती हैं। मैं इधर 7 साल से काम कर रही हूँ और इधर मोहल्ले की और भी काफ़ी सारी औरतें काम कर रही हैं। जब किसी के घर में काम करते हैं 3,500-4,000 सैलरी मिलती है, उससे घर का निज़ाम नहीं चलता। इधर से माशाल्लाह 15,000 सैलरी लेते हैं, और भी बहुत सारी खवातीन हैं जो जिनके पास कोई हुनर नहीं है, वो इधर नर्सरी में आसान काम है, बीज बोते हैं, फिलिंग करते हैं, घास निकालते हैं पौधों में से, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग अपने इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और अपने घर का खर्चा भी चला रहे हैं इससे। आओ मिलकर दरख्त लगाएं, पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाएं।